और इस बीच बड़ी खबर सामने आ रही है फतेहपुर शेखावटी से, जहां फूड पॉइजनिंग का मामला देखने को मिला है। रात का खाना खाने से 40 से ज्यादा लोग बीमार हो गए हैं। 150 से ज्यादा लोगों ने खाना खाया था, फिलहाल सभी का इलाज किया जा रहा है। आपको बता दें कि कलेक्टर और विधायक ने इस पूरे मामले की जानकारी भी ली है। तो 40 से ज्यादा लोग बीमार हो गए हैं, हालांकि ये जो खाना था 150 लोगों से ज्यादा लोगों ने यहाँ पर खाना खाया, रात का ये खाना था। हालांकि किन कारणों की वजह से फूड पॉइजनिंग हुई है इसका अभी तक कोई भी खुलासा नहीं हुआ है। रात का खाना खाने से 40 से ज्यादा लोग बीमार हो गए हैं। 150 से ज्यादा लोगों ने यहां पर खाना खाया, जिसके बाद हालत गंभीर होते हुए ही उन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया। ये वार्ड नंबर 4 के अंदर कृष्णनाथ स्वामी है, तो उनके अंदर जो खराब के अंदर बहुत सा कार्यक्रम था, तकरीबन 100 आदमियों का खाना था। तो उसके अंदर क्या हुआ वो तो अभी सैंपल लिया है फूड का, तो वो तो कल या परसों जब रिपोर्ट आएगा तब पता चलेगा। तो उसके तकरीबन 29-30% हमारे पास आए हैं, तो उनमें उनका लगभग ट्रीटमेंट सभी का किया गया है। उनमें से 25 लगभग रिकवर है और 5 या 6 के समथिंग अभी हमारे पास एडमिट है। कोई खाने पीने में कोई प्रॉब्लम हो गई और बाकी ऐसी कोई बात नहीं है। खाने पीने में गर्मी की वजह से हमारे कोई प्रॉब्लम हो गई होगी, थे कम से कम 80 से 100 आदमी करीब सब थे हम।